पूछताछ करेंगे। तो पूछिए। पहला तो ये, आपका नाम क्या है? गरेना। तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? फ्री फायर। फ्री फायर। आप दोनों रहते कहाँ हो? बीमा शक्ति के ऊपर। क्या करते हो? रैंक पुश। अरुई क्या पैसा देना, नया इलेक्ट पास आया खरीदना है। ओ तू मेरा मुकाबला करना है? ओ काका मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। चलो मैं बोलता हूँ। चलो ओके ओके, चलो चलो बोलो। सुब्रत ने मेरे को नूब बोला क्योंकि उसके नियत में था खोट। वाह 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 वाह, मतलब अगर, अगर अमित भाई नूब है तो अज्जू भाई बॉट। भाई साहब नशा पबजी का होता तो छूट गई होती, कि नशा पबजी का होता तो छूट गई होती, नशा फ्री फायर की लगी है चांद के साथ जाएगी। जब तू नहीं थी तो लगता था फ्री फायर ही मेरा यार है, अब जब तू मिल गई ना फिर बाहर में जाए सब कुछ, तू ही मेरा असली प्यार है। ज्यादा प्रो होने का घमंड मत दिखाया कर, रिवाइव मांगने पर इनकार कर दूंगा। और ये जो मुझसे भिखारियों की तरह तू ओम मांगता है, बेटा दुश्मन से पहले तुझे मैं मार दूंगा। हम फ्री फायर वाले हैं साहब, एक के पसंद है लेकिन इस कार से प्यार है। M4A1 और XM8 उठा लेते हैं लेकिन AWM के लिए मरने को भी तैयार है। हम फ्री फायर वाले हैं, हम ना किसी से डरते हैं और ना जल्दी मरते हैं। और तुम हमारे बारे में बस इतना जान लो, हम जिसको भी मारते हैं वो हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं। क्या कहा? मेरी स्क्वाड मारेगा। क्या कहा? मेरी स्क्वाड मारेगा। बेटा मम्मी को बोल कि और थोड़ा दूध पिलाए क्योंकि उखाड़ तो हमारा घंटा कुछ नहीं पाओगे। बाप और बेटे का खेल खत्म हो गया हो तो आ जाओ हमारे फ्री फायर में। पबजी बैन बजाओ रे अपना। दिल टूट चुका था मेरा, दिल टूट चुका था मेरा, बट ना जाने कहां से फ्री फायर आके संभाल लिया दिल मेरा। हेलो हिमांशु भाई। हाँ भाई। मुझे वो क्या बोलते हैं डीजे एडम गिफ्ट कर दो ना। क्या बोला क्या बोला? डीजे एडम। ओ भाई कोई मुझे जहर दे दो। कस्टम खेलने को चैलेंज मत करना वरना पिस्टल से तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। और बेटा अकड़ किसी और को दिखाना वरना तेरी अकड़ को क्लॉक टावर में छोड़ दूंगा। कि बड़े भ्रष्टाचारी है बेटा, पंगा ना लो नाक में दम कर देंगे। कि बड़े भ्रष्टाचारी है बेटा, फंगे ना लो नाक में दम कर देंगे। और तुम वकील बदलते रह जाओगे और हम जज खरीद लेंगे। तेरा बाप आया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कुछ लोग हमारे मुंह पे वफादार और पीठ पीछे कुत्ते क्यों बन जाते हैं? कोई नहीं आएगा मेरी जिंदगी में तेरे सिवा, एक मौत है जिसका मैं वादा नहीं करता। अरे सबर करो, तकदीर को भी हरा के दिखाएंगे, अभी नीचे है फर्स्ट रैंक पे भी आके दिखाएंगे। और हम फ्लॉप है ना, चल कोई ना बेटा, बिना माचिस के आग लगा के दिखाएंगे। अरे व्यान भाई, आज तो कोरोना के ऊपर कोई शायरी हो जाए। कोरोना के ऊपर? ना इलाज है ना दवाई है। वाह क्या बात है। ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। अरे एटीट्यूड तो हमारा भी खतरनाक है साहब, उसने बात नहीं की तो पलट कर हमने भी नहीं देखा। चेहरे तो सबके याद है, बस वक्त का इंतजार है। मैंने ही सराफत दिखा दी थी वरना ये दो कोड़ी के लोग मुझ पे उंगली उठा देते क्या? पीठ पीछे कहते रहते हो मैं बहुत बुरा हूँ, अच्छा होता तो जीजा जी बना लेते क्या? हम खुद की सुनते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई एडवाइजर, हमें आपका लेवल पता है, ऐसे मत बनो वाइजर। कहती यार तुम इतनी अकड़ दिखाते हो, तुम्हारे पास रहता कौन है? मैंने कहा सैनिटाइजर। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे हम मर्जी के मालिक हैं, हमें मत कुछ कह। और जो कदमों में ना रखी हो ऐसी कौन सी यश है? कहते यहाँ तो जीत नहीं पाएगा भाइयो, जिस टीम से तू खेल रहा है ना उस टीम का कोच हूँ मैं। माना मुझे जीतने का शौक है पर हार भी मैं बड़े शौक से चखता हूँ।
और बेटा जिनके दम पर तुम उछलते हो, याद रखना उन्हें मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। हम चुप बैठे हैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे शोर मचाने लग गए, पर जो करना है कर लेने दो, क्योंकि हमें पता है जेब में 2000 का नोट नहीं सिक्के ही शोर करते हैं। चुप रहना मेरी ताकत है कमजोरी नहीं, कि चुप रहना मेरी ताकत है कमजोरी नहीं, और अकेले रहना मेरी आदत है मजबूरी नहीं। बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? 1, 2, 3, 4, 5 6 कितनी लड़कियों से प्यार करता है पागल? मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। राधा तो सिर्फ एक है, बाकी सब गोपियां हैं। मेरी वाली तो आईफोन है, बाकी सब नोकिया हैं। एक दौर था जब हम शरीफ हुआ करते थे, आज शरीफ तो बनना चाहते हैं, पर ये जुबान साथ नहीं देती। गली में तो कुत्ता भी शेर है, ये ना सोच तुझे छोड़ देंगे, हमारे साथ बदतमीजी करी तो तेरा बायोडाटा खोल देंगे। और सुना है आजकल ज्यादा हवा में उड़ते हो, बेटा हमें अकड़ मत दिखाना, नहीं तो हड्डियां और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। के वापस आ चुके हैं अब भौकाल मचाएंगे, बेटा तूने जितना सोच रखा है ना, हम उससे भी आगे जाएंगे। वक्त के साथ साथ सिर्फ आदतें बदली हैं अपनी, वरना बुरे तो हम कल भी नहीं थे और अच्छे आज भी नहीं है। इतने तो आज तक मेरे ग्रुप्स में मैसेज नहीं आए जितनी तेरी 2 दिन में चैटिंग हुई है, और पावर बैंक भी जेब में रखते हो, लगता है नई नई सेटिंग हुई है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पहले ना बेटा दूध की शीशी खत्म कर लो, हमें हराने के सपने देखियो तब। जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं मैं किसी से नहीं डरा, और कभी एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा भी नहीं भरा, पर एक बात इनकी मुझे बुरी लगती है, सालों ने फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं करा। गब्बर मेरा हाथ खोल के देख, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कालिए का कहा था ये? सरदार कहा था कि हाथ खोल के देखा हम कुत्ता मुंह पिए जाब। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूँ इतना पर दिल का बेकार मत समझना। कभी भी किसी का गरीबी का मजाक मत उड़ा देना यार, क्योंकि ये जो किस्मत नाम की चीज होता है ना, ये बहुत अजीब होता है, कब कहाँ कैसे और किसका बदल जाता है कोई नहीं बता पाता है। छोड़ दिया हमने अपनों को परेशान करना, क्योंकि हम बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। अरे बेईमानी का शौक नहीं है, वरना कर तो हम भी सकते हैं, पर हम तो चलते फिरतों का दिल ठगते हैं, और जो हमें आजकल के बच्चे बोल रहे हैं ना, इनको कौन बताए कि रिश्ते में तो हम इनके बाप लगते हैं। सीधा साधा दिखता हूँ मेरा रोल बदल जाएगा, कि सीधा साधा दिखता हूँ मेरा रोल बदल जाएगा, और हम अपनी पे आ गए ना बेटा माहौल बदल जाएगा। पता नहीं कुछ लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं, बार बार हमसे भिड़े जा रहे हैं, एक छोटा बच्चा नहीं डरता जिनसे, वो अपने बाप को डरा रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से गुजरा था वक्त तेरे जाने के बाद, सोचता हूँ ये जिंदगी जी कर देखते हैं, सोचता हूँ कि ये जिंदगी जी कर देखते हैं, और उतरा नहीं मोहब्बत का नशा अंग्रेजी शराब से भी अभी तक, चलो आज देसी पी करते हैं। शरीफ है हम, किसी से लड़ते नहीं, लेकिन जमाना जानता है किसी के बाप से डरते नहीं। ओए मेरे मगरमच्छ, सुन, तुम्हारी मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ कॉलेज जाते हो। मेरे बाबू ने ताला थोड़ा, लड़कियों को धोखा देने की क्लासेस घर में चलती है, कॉलेज से सीख कर आते हो। हाय मेरी फूल जड़ी, सुनो मेरे बापू ने थाना थाया, ये डायलॉग तुम्हारा है, इसे हमारा मत बताओ। और बात रही धोखा देने की, तो ये हमने तुमसे ही सीखा है, हमारे कॉलेज का झूठा नाम मत लगाओ। तेरा बेस्ट फ्रेंड भी नाम सुन के सिर से पांव तक हिलेगा, कहती चल चल तेरे जैसे 36 फिरते हैं। बेटा ओ अलादीन का चिराग लेके ढूंढ ले, मेरे जैसा तब भी नहीं मिलेगा। मोहब्बत को बुरा क्यों कहूँ, जब किस्मत ही मेरी खराब है, वो जा रही है तो जाने दो, मेरे पास मेरी शराब है। अरे वाह बरकत, जैसा कर कमाल के गोरा हो जाऊं, मैं अभी काला हूँ फिलहाल। रातों रात गोरे हो जाओगे भाई इस नुस्खे से। रातों रात गोरा हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ उसका क्या नुस्खा है, जल्दी बताओ। डीएम करो। कभी दोस्ती के लिए लड़ना हो तो आवाज देना, दोस्त कसम से मैदान में आकर नहीं घर में घुसकर मारेंगे। अच्छा और सच्चा दोस्त कभी भी आई लव यू नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता वे?
उसकी तो गालियों में ही बहुत प्यार होता है ना। सुन रे पगली, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, वो जमाना तो बीत गया जब तेरे दीवाने थे हम। रोज नया नया बहाना कहाँ से लेके आएगी, हमारे साथ गेम खेलोगे तो बेटा हार के ही जाएगी। किसी की बातों में आके मुझे छोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं जाता, तू ही पछताएगी। बड़ा कमाल का दौर आया है मेरी जिंदगी में, लोग कोरोना से ज्यादा मेरी बातों से डरते हैं। और अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन में नहीं जिंदगी में ब्लॉक करो। अगर पता होता इतना तड़पाती है मोहब्बत, तो दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेते। भाई तेरा बर्थडे आ रहा है कल, पार्टी तो देगा? बर्थडे की पार्टी कौन देता है बे? तुझे नहीं पता बर्थडे पे दोस्तों को पार्टी देते हैं? अच्छा ऐसा भी कुछ है? और क्या, ठीक है फिर आज से दोस्ती खत्म। तुझे बता यार बर्थडे पार्टी है। जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं मैं किसी से नहीं डरा, और कभी एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा भी नहीं भरा। पर एक बात इनकी मुझे बुरी लगती है, सालों ने फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं करा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ पर सब मतलब से चलता है, बिन मतलब के तो यहाँ पर एक पत्ते भी नहीं हिलता है। और फ्री का जमाना तो जैसे खत्म ही हो गया, अब तो यहाँ प्यार भी फ्री में नहीं मिलता है। कोई जिस्म पे मरता है तो कोई पैसों पर। अरे जो सोचना है सोच लो, हम तो अपने मजे में रहते हैं, हमारी ऐश देखकर हमसे मचने वालों की आंखों से आंसू बहते हैं। और बेटा गेम चेंजर बनने की मत सोचना, क्योंकि मुझे गेम किलर कहते हैं। तुम अपनी अच्छाई में मशहूर रहो, हम बुरे हैं हमसे दूर रहो। चल हट निकल मेरी जिंदगी। मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए, और जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा कि जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से हो।